चीन के एक व्यक्ति ने पैसे कमाने का बड़ा ही नायाब तरीका खोजा है। जी हाँ, इस व्यक्ति ने रातों रात सड़क ही चोरी कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि सड़क क्या कोई चीज है जो हाथों में उठाया और जेब में भरकर वहां से रफू चक्कर हो गए। जो भी हो, लेकिन इस व्यक्ति ने सड़क चुराई है। आपको बता दें, चीन में एक व्यक्ति ने लगभग 800 मीटर लंबी सड़क चोरी की और उसे 50,000 रुपए में बेच आया। चीनी मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो एक दिन सुबह के समय जब सानकेसु गांव के लोगों ने सड़क के एक हिस्से को गायब देखा तो वो देखकर हैरान हो गए। पहले कुछ लोगों को यह लगा कि बिना घोषणा किए ही सड़क की मरम्मत का काम चल रहा है। उन्होंने इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दी और बताया कि सड़क का एक हिस्सा गायब है। जांच के बाद पुलिस को पता चला कि झू नाम के एक व्यक्ति ने खुदाई करने वाली मशीन से लगभग 800 मीटर की सड़क खोदकर उसमें से कंक्रीट निकाली और किसी कंपनी को बेच दिया। पुलिस ने बताया कि झू सड़क को खोदकर कंक्रीट बेचकर पैसे कमाना चाहता है।